व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको मैं रियाद बोलेवार्ड वर्ल्ड का विज़िट करवा रहा था। तकरीबन सारे कंट्री मैंने आपको विज़िट करवा दिए हैं, दो कंट्रीज़ रह गए थे, स्पेन और इंडिया। तो अभी हम पहले स्पेन में चलते हैं, फिर आपको इंडिया का विज़िट करवाऊंगा। ये जैसा कि आपको अक्सर को पता होगा कि स्पेन में बुल फाइटिंग जो है ना, ये बहुत फेमस है। इसके बिल्कुल सेंटर में ये बुल फाइटिंग का स्टैचू सा बना हुआ है और यहीं पे अभी स्पेन की पहली परफॉर्मेंस का टाइम होने वाला है। तो चलें व्यूअर्स, आप परफॉर्मेंस एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। और इसके बिल्कुल करीब ही एक आउटलेट बनी हुई है क्रीम रोल की, और यहाँ पे काफ़ी रश लग रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली अच्छी होगी। तो क्रीम रोल खाकर टेस्ट करते हैं और उसकी सारी फॉर्मेशन भी आपको दिखाता हूँ। क्रीम रोल की सारी मैं आपको आउटलेट भी चेक करवाता हूँ, उसकी फॉर्मेशन भी सारी चेक करवाऊँगा, और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक परफॉर्मेंस के जो है ना वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी उसमें कुछ टाइम है, तो उतनी देर तक क्रीम रोल की फॉर्मेशन चेक करते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। क्रीम रोल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी टेस्टी है, और मैं रिकमेंड करूँगा आप में से जो भी विज़िट करे वो ज़रूर इसको टेस्ट करे। और साथ ही यहाँ पे स्पेन में जो सेकंड परफॉर्मेंस थी उनकी स्टार्ट हो गई है। परफॉर्मेंस देख के थक गए होंगे, तो चलें फिर कुछ और खाने के लिए ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मुझे जो स्पेन में ज़्यादा नज़र आ रहा है वो डेजर्ट्स की ऑप्शन ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अभी एक और मुझे नज़र आया, इनके करीब एक और आउटलेट है चीज़ केक की। सेंट्रल पार्ट इसका चीज़ केक और आइसक्रीम से बना हुआ है, और उसके ऊपर जो टॉपिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स हैं। ये जितनी भी इसके ऊपर टॉपिंग्स ऐड कर रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल हैं, जो आप बताते जाएंगे। इनके पास 6 से 7 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं चॉकलेट्स के, तो इनमें से जो आपको बेहतर लग रहा हो वो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। चलें इसको टेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट अपने जो कंट्री का रेप्लिका है उसकी तरफ मूव करते हैं, इंडिया की तरफ। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है उसका भी टाइम होने वाला है, तो उसकी तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, अभी मैंने चीज़ केक ट्राई किया है, तो चीज़ केक नो डाउट बहुत टेस्टी है, लेकिन सिंगल पर्सन के लिए सर्विंग ये थोड़ी ज़्यादा है, 2 पर्सन्स के लिए ये सर्विंग सफिशिएंट है। यहाँ परफॉर्मेंस के लिए स्टेज सेट किया हुआ है और परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई है, और कव्वाली की परफॉर्मेंस है इनकी। और वैसे तो ये रेप्लिका इंडियन कंट्री का रेप्लिका है, लेकिन जो कव्वाली की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो नुसरत फ़तेह अली खान यानी कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। अभी मैंने सारी परफॉर्मेंस जो है ना यहाँ पर कैप्चर नहीं की, थोड़े शॉर्ट लिए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इन्होंने परफॉर्मेंस की हैं कव्वाली से रिलेटेड और एक दो और गज़लें की हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान के जो सिंगर्स थे उनसे रिलेटेड थी।
यहाँ पे चेक करें, उन्होंने ताजमहल का रेप्लिका एक बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है ना वो इंडियन एक रेस्टोरेंट है। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में आपको इंडियन काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और उसके अलावा जो इंडियन स्ट्रीट फूड जितनी भी फेमस हैं वो भी आपको इसी के सराउंडिंग में सारी मिल जाएंगी। मैंने दो तीन इंडियन स्ट्रीट फूड्स को थोड़ा सा ट्राई किया है। व्यूअर्स, इस एपिसोड के साथ ही रियाल सीज़न जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था उनकी एपिसोड्स अभी तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर फर्दर दोबारा मेरा जब भी रियाल सीज़न में चक्कर लगा, क्योंकि ये हर साल रियाल सीज़न में कुछ ना कुछ और फर्दर ऐड करते रहते हैं, तो जब भी फर्दर कुछ ऐड हुआ या मेरा चक्कर लगा तो इसे नेक्स्ट एपिसोड्स में वो ऐड कर दूंगा। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर।